वंस मोर एक और बार मार। तुम्हें डर लगता है ये चीज देख के? डर लगता है या मजा आता है? डर क्यों लगता है? अच्छा भाई रिएक्शन देख रहे हो भाई? देख हां हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। इट्स योर बॉय सैमसन। सो भाई आ गए एक और ब्लॉग लेके। तो आज का भाई ब्लॉग जो होने वाला है ना, मोटो ब्लॉग नहीं होने वाला बट कुछ तगड़ा होने वाला है। क्योंकि भाई सबसे पहले तुम्हें ना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक चीज दिखाने वाला हूँ, एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जो की कल जेके मीडिया की तरफ से आई है। तो सबसे पहले ये क्लिप चेक करो। प्रणाम सभी को, राम राम। इन स्टंट बाजों का आतंक जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि हमारी पुलिस ने इनके ऊपर नकेल कस के रखी हुई है। जहां पर भी ये स्टंट बाज दिखते हैं पुलिस इनके ऊपर जो है नकेल कसती है। लेकिन ये वीडियो जो है अभी अभी रिसेंट अपलोड हुआ है, जिसके अंदर ये स्टंट बाज ने एक बार फिर से गलियों के अंदर जाके स्टंटबाजी की है। स्टंटबाजों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। स्टंटबाज अब गलियों के अंदर स्टंटबाजियां कर रहे हैं। गलियों में आकर जो है ये विल्ली करते हैं, जो इनके स्टंटों में से एक स्टंट होता है, जिनमें से जिसमें टायर ऊपर लेकर चलते हैं। पता नहीं कौन सा स्टंट है ये, विल्ली स्टंट जो ये करते हैं, और लोगों का सड़कों पर चलना इन स्टंटबाजों ने कर दिया है मुश्किल। अब लोग बाहर निकलने से भी डरते हैं इन स्टंटबाजों की वजह से। अभी अभी रिसेंट अपलोड हुआ है, जिसके अंदर ये स्टंटबाज ने एक बार फिर से गलियों के अंदर जाके स्टंटबाजी की है। और इस वीडियो में खुद बोल रहा है कि इस बार हम जो है सिद्धड़ा नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ सीन खराब हो गया। सीन खराब कोई नहीं हुआ है, वहां पर पुलिस इनको जो है स्टंटबाजी नहीं करने दी। तो इन्होंने कहा है कि अब हम गलियों के बीच में स्टंटबाजी करेंगे। और आप ये देखें, ये अब ग्रीन बेल्ट पार्क और उसके अलावा छन्नी और कई सारे त्रिकुटा नगर की जो गलियां हैं उनके बीच में स्टंटबाजियां कर रहे हैं। और आप देखें किस तरह से गलियों के अंदर ये स्टंट कर रहे हैं। कई बार मैं इस वीडियो को चलाता हूं और कई लोग इनकी सपोर्ट में बोलते हैं, अच्छी बात है, इनके स्टंट्स को अप्रिशिएट करें। लेकिन गलियों के अंदर जब ये इस तरह के स्टंटबाजी करते हैं तो छोटे बच्चों को लेकर भी लोग बाहर निकले होते हैं, छोटी बच्चियों को लेकर भी लोग बाहर निकले होते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स वृद्ध लोग भी बाहर होते हैं, जो कि सड़क पे के ऊपर शाम के समय या दिन के समय सैर करने आए होते हैं या दोपहर को कोई सामान लेने निकलते हैं। लेकिन इनकी स्टंटबाजियां, इनकी जो है विल्ली वहां पर जो ये करते हैं, विल्लियां चला रहे हैं, विल्लियां दिखा रहे हैं लोगों को कर करके, लेकिन ऐसी विल्ली का कोई फायदा नहीं जिससे आप किसी के जो है नुकसान पहुंचा दो। तो आप देखिए सड़कों के बीच में ये इस तरह की स्टंटबाजियां कर रहे हैं, लगातार इनके स्टंट जो है जारी है जम्मू। आपने देख ली होगी अभी क्लिप, तो क्लिप में आपने देखा होगा भाई, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं स्टंट कर रहा था वहां पे एक मतलब जो जितनी भी पब्लिक थी वो सब ने मतलब एंजॉय कर रही थी, ना कि कोई डरा सहमा था। जैसे कि आपने सुना होगा आशिक कोहली जी ने बोला होगा कि डर गए थे भाई, लोग सहम गए थे। तो मैं आपको क्लिप भी बहुत छोटी सी दिखा दूँ, जिसमें कि भाई बच्चे स्माइल कर रहे हैं और मतलब कि भाई साहब नहीं नहीं हेलमेट नहीं डालनी, हेलमेट चाहिए। तो गाइस जैसे कि आपने क्लिप देखी गाइस, वहां पे जहां पे हम स्टंट कर रहे थे वहां पे एक भी मतलब कि बहुत कम लोग आ रहे थे, वहां पे गाड़ियां नहीं आ रही थी, तो खाली जगह थी, वहां पे हम स्टंट राइडिंग करते थे और लोग देख के भाई एंजॉय करते थे। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब हम सिद्धड़ा जाते थे स्टंट राइडिंग करने तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ हाँ, वहां पे बहुत ज्यादा इशू बन चुका था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे राइडर्स आते थे, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक में इफेक्ट पड़ता था। वो चीज तो मैं मानता भी हूँ, वो आज तक मैं मान रहा हूँ, वो कैमरे के सामने मान रहा हूँ। तो मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, वहां पे जब स्टंट राइडिंग करते थे तो वहां पे प्रॉब्लम हुई, वहां पे हम स्टंट राइडिंग करने छोड़ के वहां पे नहीं गए, तो उस चीज का तुम कल मजाक ले रहे हो, ठीक है? वहां पे नहीं जा रहे तुम मजाक ले रहे हो, तो एक तरीके का तुम प्रोवोक करो। दूसरी बात, जब हम यहाँ पे आ गए रिंग रोड वाली जगह,
रिंग रोड में तुम्हें आज तक सब जितने भी जम्मू के लोग हैं सबको पता होगा वहाँ पे बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं चलती, कोई भी नहीं आता वहाँ पे, इवन लोग भी बहुत कम होते हैं खड़े हुए। वहाँ पे हम स्टंट राइडिंग करने गए तो तुम गाइस सबसे पहले ना एक क्लिप चेक करो ये वाली, ठीक है। So guys, यहाँ पे होने वाले स्टंट देख रहे हो, कोई एक गाड़ी नहीं दिख रही होगी तुम्हें, बस किसी को प्रॉब्लम हो, हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये बिल्कुल रिमोट एरिया है, यहाँ पे हम स्टंट कर रहे हैं। वीली भाई, वीली चेक करो भाई, वीली चेक कर रहे हो, ये देखो भाई, ये स्टंट भाई, ये देखो भाई वीली। आस्ता आस्ता निकल रहे, वो मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, सैम हमारी तरफ मुड़ रही है, सैम हमारी तरफ मुड़ी है। गाइस पुलिस आ गई, क्या कर रहे हैं, जल्दी बोल सैम, जल्दी बोल क्या करना है, बोले रास्ता कहाँ दिया है, मुझे रास्ता खुद नहीं पता, जगह नीचे बोल, देखना नहीं उनकी शक्ल, राम जी राम दे, राम से चल, राम से चल, राम से चल, राम से चल। गाइस यार फाइनली देख रहे यार यहाँ पे अभी आ गई पुलिस, गाइस तुम देख रहे हो यार अभी हम स्लो स्लो जा रहे हैं, आप नीचे से आ रहे हो, पुलिस खड़ी है नीचे, ठीक है। गाइस यार इधर गलत ही सीन हो गया हुआ है, चलते हैं भाई यार, अभी एक और जिप्सी आ रही है गाइस यार यहाँ पर, अभी गाइस यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, और पुलिस आ रही है गाइस, नीचे भी जिप्सी आ रही है यार, मारो 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 मारो। जम्मू के यार जितना भी टैलेंट है भाई सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा भाई, बाइकिंग का भाई अलग ही टैलेंट है भाई जम्मू में यार। तो भाई ये देखो अभी कुछ बना भी नहीं है यहाँ पे, ना गाड़ी आ रही है, ना हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो भाई अगर वहाँ से भी भगाएंगे तो यार तुम खुद बताओ ना यार, हम कहाँ पे करें भाई, अपने स्किल्स कहाँ पे पॉलिश करें यार, अगर तुम यहाँ से भी हमें भगा रहे, रिमोट एरिया से भी भगा रहे जहाँ पे एक गाड़ी नहीं आती, जहाँ पे किसी को हमारी वजह से प्रॉब्लम भी नहीं होगी भाई, सिर्फ हम अपनी पीसफुली हम अपनी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती, कोई ट्रैफिक कुछ नहीं है वहाँ पे। तो यार वहाँ पे भी अगर पुलिस आ जाती है तो यार ये तो गलत है ना यार। सो गाइस आपने क्लिप देख ली, सो गाइस वहाँ पे देख लो, मैंने स्पेशली व्लॉग में मैंने ये बार बार ये चीज मैं बोल रहा था कि देख लो हम गाइस घर से कितनी दूर जा रहे हैं प्रैक्टिस करने, रिमोट एरिया में जा रहे हैं प्रैक्टिस करने, जहाँ पे बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे ट्रैफिक की मतलब वहाँ पे इवन लोग भी नहीं होते वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके हम प्रैक्टिस करते, वहाँ पे भी पुलिस आ गई, दो मतलब कि एक भी जिप्सी नहीं आई थी, दो दो जिप्सी आई थी सिर्फ स्टंट राइडर्स को पकड़ने भाई, क्योंकि स्टंट राइडर्स की इमेज ही ऐसी बना दी जम्मू में कि जैसे कि एक चोर होता है ना भाई, वैसी इमेज बना के रखी स्टंट राइडर की, जबकि ऐसा नहीं है, ये स्पोर्ट है। मैं सब चीज़ों से मैं गाइस अवेयर करने वाला, जितने भी जम्मू के लोग हैं सबको अवेयर करूंगा कि एक्चुअल में सीन क्या है जम्मू में स्टंट राइडिंग का। तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस आई तो वहाँ पे हम स्टंट राइडिंग नहीं कर पाए, तो उसके बाद हम आए घर के पास अपने एरिया, भाई लोग सब जानते हैं हमें, सब जानते हैं, जितने भी लोग कल पब्लिक देख रही थी ना वो सब हमें जानती थी, तो उन्होंने ही बोला था भाई स्टंट राइडिंग करके दिखाओ, तो हम स्टंट राइडिंग कर रहे थे। तो उस चीज से भी आशीष जी को प्रॉब्लम होगी कि भाई वो गलियों में स्टंट राइडिंग, भाई अपने घर के बाहर कर रहे हैं, कोई हाईवे में नहीं कर रहे, कोई मतलब कि किसी तरीके का हम ट्रैफिक के अगेंस्ट नहीं जा रहे, ट्रैफिक के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जा रहे, रोड पे कर रहे हो तो तुम बोलते हाँ भाई गलत है, किसी को प्रॉब्लम हो रही होती हमारी वजह से तब भी तुम बोलते गलत है, भाई सब इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, जितने भी लोग थे ना सब हमें एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहे थे, भाई अच्छा है रोड के साइड में कर रहे हो, मतलब रोड के बीच में नहीं कर रहे, एक रिमोट एरिया में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हो, बट तुम वहाँ पे भी नहीं करने दे रहे। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर बीइंग अ प्रोफेशनल स्टंट राइडर इंडिया में, तुम्हें पता आशीष जी को नहीं पता होगा, मैं इनको सबसे पहले बता दूँ, इंडिया में कितनी स्टंट राइडिंग की लीक्स होती हैं, आप साउथ वाली तरफ चल जाओ वहाँ पे भी इतनी स्टंट राइडिंग की लीक्स होती हैं। तो अगर मुझे मेरे जैसे बंदे को, जम्मू के लड़के को अगर कम्पीट करने जाना है तो भाई उसको ऑब्वियसली अपने स्किल्स पॉलिश तो कहीं करने पड़ेंगे, तो वो स्किल्स पॉलिश करने के लिए तुम्हें कहीं एक जगह चाहिए, कहीं पे तुम स्टंट राइडिंग अपनी रोज प्रैक्टिस कर सको, अपने स्किल्स जो हैं जितनी जो भी तुम्हारे पास स्किल्स हैं उसको पॉलिश करके अच्छे तरीके से वहाँ पे जाके कम्पीट कर सको, क्योंकि बाकी जो जितने भी स्टेट के राइडर्स आए होंगे वो भी भाई बहुत मेहनत करके आए होंगे, तो उसी तरीके से मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी कम्पीट करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पे भाई कहाँ पे मेहनत करूँगा अपनी, उसके लिए भी जगह चाहिए हमें। तो भाई अब ऐसी जगह कर रहे हैं रिंग रोड, मैं बार बार यही जगह बोल रहा हूँ रिंग रोड, क्योंकि मैं वहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ अपनी, जितनी भी प्रैक्टिस करता हूँ रिंग रोड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना एक गाड़ी नहीं आती, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, गाड़ी एक भी नहीं आती वहाँ पे, तो जितने भी वहाँ पे एक दो लोग आएंगे वो खड़े होंगे साइड में, क्योंकि वो हाईवे अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी चल रहा है, जब वो चलना स्टार्ट हो जाएगा वो भी जगह हमारे पास से चले जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पे एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, भाई हम स्टंट राइडिंग कहाँ करें, भाई मेरा प्रोफेशन है तो प्रोफेशन को लेकर भाई मैं बहुत पक्का हूँ, मैं इसी चीज़ बोल तो बहुत ज़्यादा पक्का हूँ, तो मैं यही बोलूँगा स्टंट राइडिंग तो मैं नहीं छोड़ सकता, ना ही छोड़ूंगा,
बाकी जो तुम्हें मैंने कमेंट्स बताया अभी देख लो तुम्हें, अब तो जम्मू के लोगों को ज्यादातर पता भी चल गया कि भाई स्टंट राइडिंग एक्चुअल में चीज क्या है, तो लोगों के कमेंट्स भी तुम्हें मैंने पढ़ाई दिए कैसे क्या आए हैं क्या नहीं। तो आशीष जी को ये बोलना चाहूंगा भाई तुम्हारी भी एक मेरे पास क्लिप है तो जिसमें तुम विदाउट हेलमेट चल रहे हो विदाउट नंबर प्लेट, तो मीडिया वालों के लिए कोई रूल्स नहीं रेगुलेशंस नहीं, तो राइडर्स जितने भी जिनके आगे कैमरा लगा होगा तो पुलिस वाले ट्रैफिक वालों को भी आजकल एक और सीन हो गया भाई, वो स्टंट राइडर हो नहीं हो कुछ भी हो नॉर्मल राइडर बस कैमरा लगाया आगे तो वो पकड़ने को आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि कैमरा लगाया, तो कैमरा तो भाई कोई चोर तो है नहीं, कैमरा कई कैमरा अपनी सेफ्टी के लिए लगाया, कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाए दूसरा बंदा तुम्हें आके ठोक जाए और बाद में बोले तुमने मुझे ठोका, तो भाई वो चीज़ तो हम क्लियर कर सकते हैं ना वीडियो दिखा के, किसी को भी क्लियर एज एविडेंस हम किसी को दिखा सकते हैं। तो मैं यही चीज़ बोलूंगा आशीष जी जो आप ये वीडियोस डाल रहे हो ना, हैशटैग वीली सबसे पहले तो बोलना सीख लो, वीली वीली नहीं होती वीली होती है ठीक है, हैशटैग वीली होती है, तो आपने जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना वीली का ये जो यूज़ करे टीआरपी, तो ये चीज़ कम कर दो। और तुम तो तुम्हारे पास शायद मुझे तो जम्मू वालों को भी सबको पता चल गया तुम्हारे पास कुछ न्यूज़ नहीं बची, भाई कुछ तो भाई कुछ अच्छा बताओ, जम्मू में कितना नशा हो रहा है उसके लिए बताओ, कितना कुछ हो रहा है कितने मतलब कि क्राइम हो रहे हैं वो उस चीज़ के बारे में बताओ ना, स्टंट राइडिंग इज अ स्पोर्ट भाई, तुम्हें नहीं पता होगा स्टंट राइडिंग स्पोर्ट है, अगर हम रिमोट एरिया में जाकर वहाँ से ही पुलिस भगा रही है, मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूँ, रिमोट एरिया में जाकर प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ से पुलिस ने भगाया, उसके बाद मैं आके घर के पास स्टंट राइडिंग कर रहा हूँ उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो बस इतना ही बोलूंगा। 1000 years later सो गाइस निकल रहे हैं भाई जतिन भाई के घर के बाहर से, सो गाइस तुमने देख लिया ना ये मीडिया का जो सीन हो रहा है ना भाई बड़ा गलत हो रहा है, और इतनी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ना भाई, इतनी फेक न्यूज़ मैं क्या बताऊं भाई, भाई हाथ होती है टीआरपी लेने के लिए भाई कुछ भी कर रहे हैं, हैशटैग बीली। सो गाइस तुमने देख लिया ना भाई ये सब हो रहा है जम्मू में भाई, इतना मतलब कि फेक न्यूज़ और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जेके मीडिया के पास मतलब कि कोई न्यूज़ ही नहीं बची है भाई उनके पास, स्टंट राइडर बड़ा कुछ हो रहा है जम्मू में भाई, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, क्राइम हो रहे हैं उसके उनके बारे में भाई आज तक नहीं बोला इन्होंने, ऊपर से भाई मैंने जो जितनी भी वीडियो डाली डिस्क्लेमर नहीं दिखाया मेरा। सो गाइस आशीष जी ने देखा सिर्फ वही चीज़ दिखाई है जो कि मतलब कि मैं बीली कर रहा हूँ, जिसमें वो डिस्क्लेमर नहीं दिखाया कुछ नहीं दिखाया, मतलब कि पब्लिक की सेफ्टी के बारे में बोला है, मतलब कि समझाया कि भाई मेरे इतने सालों की मेहनत है, वो चीज़ें कुछ नहीं बताया वो, बाकी जो बीली थी वही दिखाई सब, क्योंकि भाई उसमें उसको व्यूज मिलने थे। गाइज मैंने ना सच में सीरियसली मैंने ये चीज़ तक भी बोली थी कि जो मैं स्टंट राइडिंग कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे देख के तुम सब मत ट्राई मत करना, क्योंकि उसके पीछे मेरे बहुत सालों की मेहनत है, बहुत बारी गिरा हूँ, तो प्लीज़ तुम ये सब मत ट्राई मत करना, ये सब मैंने बोला था भाई व्लॉग में, ये चीज़ें नहीं दिखाई, डिस्क्लेमर जो स्टार्टिंग में वीडियो व्लॉग स्टार्ट होने से पहले जो डिस्क्लेमर डाला था वो तक नहीं दिखाया, बस उसमें वो चीज़ दिखाई आज जिसने कि जो वीली कर रहा हूँ मैं वीली, क्योंकि भाई उसमें उनको व्यूज़ आ रहे हैं, एक टायर में बाइक चल रही है ना तो भाई उसमें तो व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, जेके मीडिया की तरफ स्पेशली जेके मीडिया भाई, एक ही मीडिया के बारे में बोलूंगा जेके मीडिया, दैट्स इट, और कोई ज़्यादा नहीं है चैनल, यही है एक जेके मीडिया, तो मतलब कि कोई न्यूज़ ऐसा लगता है कि कोई न्यूज़ नहीं इनके पास, कुछ नहीं है इनके पास, बस एक ही चीज़ है स्टंट राइडिंग स्टंट बाज, बाइकों के तीन चार नाम पकड़ लिए इन्होंने, छमक छल्लो ये वो ये चार पाँच नाम पकड़ लिए भाई, उससे ही ये टीआरपी ले रहे हैं सारी इस टाइम की ना, अब तो पब्लिक भी कमेंट में इनको गालियाँ दे रही है कि भाई बस कर दो स्टंट राइडिंग के बारे में, इतना जम्मू में इतना कुछ हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे, जबकि ये जो एक टैलेंट है उसके बारे में तुम उसको गलत वे में व्यूज कर दिखा रहे हो, तो ये सब गलत है भाई। वे बच्चा भाई साहब बच्चे देख रहे हो, तो क्या बच्चों का रिएक्शन देख रहे हो, बोलते बच्चे सहम गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो देखो कैसे खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, वो देखो वंस मोर, एक और बार मार, तुम्हें डर लगता है ये चीज देख के, डर लगता है या मजा आता है, डर क्यों लगता है, गिरने का, अच्छा तो हाँ कल आएगा। सो गाइस देख रहे हो बच्चे स्टंट्स देखने आए स्पेशली, तो मजा आया, मजा बढ़िया लगा, बहुत अच्छे हाँ। सो गाइस देख रहे हो भाई रोड पे नहीं, हाँ थैंक यू थैंक यू। सो गाइस देख रहे हो भाई
मीडिया क्या बता रही है और यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है तुम देख सकते हो। सो गाइस अभी यहाँ पे देख रहे हो ये होते रिएक्शन। तो पब्लिक ने यार डरती कम है, डरती है क्योंकि उनको लगता है गिर जाएगा, बट मैं तो प्रोफेशनल हूँ भाई, मैं 8 साल 10 साल से कर रहा हूँ ये चीज़ें, तो मुझे सही तरीका पता है किस तरीके से करनी है कैसे करनी है। सो गाइस यहाँ पे होने वाली है एक बार से वीली बच्चों की डिमांड पे, तो बच्चों ने बोली है तभी कर रहा हूँ, इनकी स्माइल के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो मिक्स मार रही है यार, देख रहे हो भाई ऑडियंस क्या क्या रिएक्शन आते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे खुश हो गए हैं भाई। वो ठीक हो अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से यार। ओहो फुल पावर, फुल पावर, बढ़िया बढ़िया भाई। रिएक्शन देख रहे हो भाई, देख रहे हो रिएक्शंस क्या आ रहे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं भाई, अच्छा है पावर। बाय बाय बाय। देख रहे भाई बच्चे डर चुके थे, तुम तो कह रहे थे भाई आशी कोहली कह रहे हैं भाई हर वीडियो में कि बच्चे डर जाते हैं, तो भाई बच्चे इंजॉय करते हैं इस चीज़ को क्योंकि भाई एक बहुत प्यारे तरीके से मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को करके।